हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यानी कि रिव्यू ट्यूब में। और रिव्यू ट्यूब में जैसा कि हम रिव्यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स का, तो आज भी एक प्रोडक्ट है और जो है पतंजलि नीम कांति बॉडी क्लींजर। पतंजलि मेरा पहले से फेवरेट रहा है, इसके बारे में मैं और क्या बताऊँ आपको। ये हर्बल प्रोडक्ट है और ये एक तरह का इंडिया का जाना माना रामदेव जी उनका प्रोडक्ट है। पतंजलि का मैंने आपको फेस वॉश दिखाया हुआ है रिव्यू में, आपको क्लींजर दिखाया हुआ है, हेयर क्लींजर, शैम्पूज दिखाया हुआ है, आंवला शिखर का रीठा। इस बार बारी है आपको सोप की। सोप जो है इससे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये सोप ना ग्रीन कलर का होता है, नीम का है और ये ना बहुत हार्ड है। हार्ड है तो आपके स्किन में हार्ड नहीं है, ये हार्ड ऐसा है कि आपका ये लंबा टिकेगा। आपका आप अगर रेगुलर में इस्तेमाल करते हैं, चलिए रेगुलर तो हमें करना ही चाहिए पर कोई ना कोई तो करता है ना रेगुलर, जैसे आप आज किया, भाई साहब ने कल किया, बच्चों ने परसों किया, इस तरह से रेगुलर यूज़ करने पर भी 2 हफ्ता चल जाता है। तो 14 दिन का ये साबुन है, उसके बाद वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए जिसे आप कपड़ों में इस्तेमाल करके फिनिश कर दे। तो ये इस तरह का एक साबुन है जो बहुत ही अच्छा है, जस्ट बिकॉज़ ये टिकता है उसलिए नहीं, ये आपके स्किन को बिना रूखा बनाए स्किन के जो मैल है उसे निकाल डालता है और स्किन को एक रिफ्रेशिंग देता है बिना कोई खुशबू के। जैसे मैं किसी मार्केट को डाउन नहीं करूँगी, लक्स हैं और भी कई तरह के बहुत सारे खुशबूदार प्रोडक्ट्स हैं जो कम काम करते हैं, यानी मैल को कम धूल लाते हैं पर ज़्यादा खुशबू से भर देते हैं। खुशबू तो हमें किसी भी चीज़ से मिल जाती है ना, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साबुन का काम जो होता है हमारी साफ़ सफाई धुलाई, तो ये जो बरकरार करता है। अगर धुलाई नहीं होगी तो हम खुशबू लेकर क्या करेंगे, है ना। तो परफ्यूम से भी हमें खुशबू मिल जाती है पर असली काम होता है धुलाई। ये साबुन बहुत अच्छे से साफ़ करता है और भी बिना रूखी किए। बहुत सारे साबुन होते हैं जैसे डेटॉल ही देख ले, डेटॉल, लाइफबॉय, ये सब क्या होता है, जर्म फ्री साबुन है ना, जो हमारे जर्म्स को किल करते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ठीक है, भाई साहब के पसीने भरे बॉडी के लिए ठीक है, आप सारा दिन थकी हारी हाउसवाइफ हैं तो सारा दिन थकी हारी बॉडी में आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्किन धुल जाता है पर रूखानेस आ जाता है, रफनेस आ जाता है, जो आपके स्किन को टच करने पर बहुत ज़्यादा चिड़ी चिड़ी रहती है। मतलब क्या कहे उसे, अगर आप जब तक मॉइस्चर नहीं लगाते तब तक वो जगह स्मूथ नहीं होती, पर ये वैसा नहीं है। इसे लगाने के बाद भी आपकी स्किन लगता है कि साबुन नहीं दिया है पर फिर भी साफ़ सुथरा लगता है, ऐसा ये प्रोडक्ट है। तो इसे ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से इसे पहला इस्तेमाल किया उसके बाद से यही लेते हैं। सस्ता भी है, सिर्फ 10 रुपये दोस्तों, और बाकी सारे साबुन आप देखेंगे तो 15-20 के ऊपर ही होगा। साबुन का जब बात कर ही रही तो मेरा एक और फेवरेट साबुन है जो है डव साबुन। डव साबुन का जब से मैं बहुत छोटी थी तब से इस्तेमाल कर रही हूँ। डव साबुन फेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो आपके चिक्स को बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी कर देता है और कहीं पर भी आप लगाएंगे तो बहुत स्पॉन्जी हो जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा क्रीम भरा होता है, इसलिए वो ज़्यादातर फेस के लिए ठीक है। बॉडीज़ में हमें वैसे भी स्मूथनेस, सॉफ्टनेस चाहिए, बट चलो नहीं भी है तो चलेगा, हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है धुलना, साफ़ रखना है ना, जिसमें ये ठीक है। तो आप डब को फेस पर लगा सकते हैं और इसे आप बॉडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि हमने एक लिंक दिया हुआ है नीचे जिसमें आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिल सकता है। और मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और ये बता दूँ कि ये ग्रीन कलर का आता है। आपने अगर मार्गो का ऐड देखा हुआ है, मार्गो ठीक जैसा ग्रीन कलर का होता है ठीक वैसा ही है। इस तरह से आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये मोटा साबुन है, छोटा मोटा, और ये पैकेट भी काफ़ी छोटा है तो इसलिए थोड़ा निकालने में दिक्कत हो रहा है, फंसा हुआ है, अटा हुआ है। तो अभी तो मैं इसे निकालने पर आपको आप देख सकते हैं, यहाँ से ग्रीन कलर का बाहर निकालूंगी तो गंदे हो जाएंगे मेरे हाथ भी और साबुन भी। आप यहाँ से देख सकते हैं डार्क ग्रीन कलर, जैसे मार्गो मैंने बताया ना, बस वैसा ही कलर होता है, बाहर ऐसा लिखा होता है पतंजलि, ठीक जैसे मार्गो लिखा रहता है, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं। मार्गो भी एक तरह से बहुत अच्छा है साबुन है पर मार्गो लगाने के बाद रफनेस देता है जो पतंजलि में नहीं देता है, तो कंपेरेटिवली पतंजलि इज़ बेटर एंड द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।